हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएमआर ब्लॉग्स। आज का टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस, जिसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो चलो आज का ट्रिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज, जिसे 6 में होता है, एंड ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। उसके बाद फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, देन फ्रक्टोज 1,6 बाइस फॉस्फेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, और ये दोनों में एक्सचेंज होता है 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। उसके बाद इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, जिससे ये 1,3-22 फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाता है, जो 3C का होता है, 3 कार्बन होता है इसमें। एंड उसके बाद ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है, जो भी 3C का ही होता है। एंड उसके बाद ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है, जिसमें से वाटर निकलने के बाद ये 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में चेंज हो जाता है। एंड लास्ट ये 2 पाइरुविक एसिड में चेंज हो जाता है, जिसे ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है, इसमें एटीपी से एडीपी में चेंज होता है, जिसके कारण ये 1 एटीपी लॉस्ट होता है। एंड 1 एटीपी लॉस्ट यहाँ भी होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-22 फॉस्फेट में जब चेंज होता है, तो भी 1 एटीपी लॉस होता है। एंड जब इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, तब ये एनएडी से एनएडीएच प्लस एस में बदलता है, जिससे कि 2NADH प्लस एस फॉर्म होता है। एंड ये जब 1,3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में आता है, तो फिर इसका एडीपी से 1 एटीपी बनता है, जिससे 2 एटीपी फॉर्म होते हैं एडीपी से। एंड उसके बाद 2 एटीपी फिर से फॉर्म यहाँ पर होता है, जब 2 फॉस्फोइनोल पाइरुवेट 2 पाइरुविक एसिड में चेंज होता है, यानी कि यहाँ पर टोटल एटीपी गेन जो होता है वो -2, यहाँ पर जो 2 एटीपी लॉस हो रहे थे 2NADH प्लस एस से, हमें पता है कि 3 एटीपी फॉर्म होता है, यानी कि 2×3 +2, यहाँ पर 2 एटीपी बन रहे थे, इसलिए टोटल 10-2 8 एटीपी बनते हैं। एंड जिसके नेट गेन जो इंस्टेंट यूज़ होता है, इसमें 4-2 यानी कि टोटल 2 एटीपी यूज़ होता है। लेकिन ये सारे 10 स्टेप याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने ट्रिक बनाया है। तो चलो ट्रिक देखते हैं। इसका ट्रिक यहाँ पर है, रेट गीता की फ्रेंड फातिमा, जो कि पागल यानी थोड़ी क्रेजी जैसी है, बट उसने 3 पेन 2×2 साइज का पेपर एंड 2 पेंसिल से अच्छे से पढ़ाई किया है। तो ये रहा ट्रिक। मैं ट्रिक का मतलब बताते हैं। ग्रेट मतलब हो गया ग्लूकोज, गीता से हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एंड फ्रेंड से हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फातिमा से हो गया फ्रक्टोज 1,6-22 फॉस्फेट, पागल यानी कि फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड जो कि चेंज होता है 3DHAP, एंड उसके बाद 3 पेन मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एंड 2 पेंसिल का मतलब हो गया 2 फॉस्फोनल पायरोबेट, और जो ये 2×2 पेपर है वो हो गया 2×2 फॉस्फोग्लिसरेट, एंड लास्ट जो पढ़ाई है वो है पायरुविक एसिड। तो ये रहा आज का ट्रिक। इस ट्रिक के जरिए आप लोग को ग्लाइकोलाइसिस बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आप लोगों को मेरा ट्रिक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें।